ये वीर के अगले मैच का प्रतियोगी है। ये ताकतवर नहीं दिख रहा है, लगता नहीं कोई मुकाबला है। देखा वैसे ताकत का यकीन नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसके पिछले मैचों के नतीजे बहुत ही अच्छे रहे हैं, ये काफी ताकतवर होगा। तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। हाँ? अरे सिड, ये कौन है तुम्हारे साथ? ओ हाँ, ये अर्णव है और कुछ दिन ये यहाँ रहेगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ? मेरा चेहरा वहाँ क्यों दिख रहा है? हाँ? कहाँ? यहाँ आकर देख लो। तो ये वीर के अगले मैच का प्रतियोगी है। अंकल, ये हो क्या रहा है? अर्णव के पास मैच तक रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए कुछ दिन ये यहाँ रहेगा, तो प्लीज सब ढंग से पेश आना। और ना वैसे अपना ही घर समझो, सच में आराम से। हाँ, आरामदायक। फिर मैच होने तक रहने के लिए मुझे माफ करना। छी, ये क्या बदबू है? ये सब क्या है? अभी उठो, अभी उठो। हे भगवान, मुझे डरा दिया, मुझे डरा दिया। वाओ, तुम कहाँ खो जा रहे हो? ये तो हद है। जब खुजली हो तो खो जाना पड़ता है। ये क्या है? रूसी, अच्छी गंदगी। लेकिन मेरे बाल चमकीले भी तो हैं, है ना? जाओ अभी धोकर आओ। सुना तुमने? इसी वक्त, अभी, इसी वक्त, अभी जाओ। तुम्हारा चिल्लाना तो मेरी मम्मी से भी खराब है। ठीक है, अभी धोता हूँ। हम भी कुछ खा क्यों नहीं रहा है? हम भी तुम किसके लिए रुके हो? चलो खाओ। खा लो। हम भी थोड़ा धीरे। लगता है मुझे बाथरूम जाना होगा। ये तुम क्या कर रहे हो? हम भी ऐसे नहीं करते हैं। हम भी क्या कर रहे हो तुम? बहुत हुआ, रुक जाओ। मैं समझा था इसे अच्छी आदतें डाली हैं, लेकिन लगता नहीं। पर ये काफी ताकतवर खिलाड़ी है, ये हर बार काफी मजबूत रहा है और सभी खिलाड़ियों को हराया है। इसके हथियार भी बहुत घातक हैं। ये एक जांबाज योद्धा है। इतना ताकतवर? आमतौर पर ये खिलाड़ियों को पहली बाजी में ही हरा देता है। लेकिन ब्लू विल को मात देना इतना आसान नहीं है। यश, और कहां से आ रहा है? हमें, तुम फिर से दूसरों का खाना खा रहे थे? तुम अभी भी ठिकाने नहीं आए हो, तुमको फिर सजा देनी होगी। ऐसा करना किसने सिखाया, बोलो? ए, क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं उसको सजा दे रहा हूँ। चाहे इसने बड़ी गलती की हो, फिर भी ये बहुत कठोर नहीं है? नहीं, यही ठीक है। इसे सुधारने के लिए इसे सिखाना जरूरी है। अब बस भी करो, बाकी सब भी डर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हम भी, मैं आज तो रुक जाता हूँ, पर दोबारा मत करना, समझे? चलो प्रशिक्षण के लिए तैयार हो जाओ, अपने आप को ठीक कर लो।
अरे आलसी मत बनो, क्या 100 राउंड और करने हैं? यहाँ हो तुम। ऐसा अभ्यास कठिन नहीं है? नहीं, ये ठीक है, ये कड़े प्रशिक्षण के आसपास भी नहीं है। तुम्हें तो हम अपनी स्पीड से हरा देंगे, हम ऐसी मुश्किल तैयारी नहीं करते। हाँ, ऐसा है, कोई बात नहीं, हम पहला बार ही दमदार करेंगे और फिर एक ही बार में खेल खत्म हो जाएगा। क्या? अब तुम्हारे धैर्य की काफी परीक्षा हो गई, पर अभी तुम थके नहीं हो। ब्लू विल, तुमने बेहतरीन किया, चलो अब अगली तैयारी करते हैं। हाँ, क्या कर रहे हो, अचानक से क्या हो गया? चलो जाओ यहाँ से। अब इस परीक्षा को पास करना बहुत ही कठिन है, मुझे नहीं लगता ब्लू विल ये कर पाएगा। बकवास मत करो, हम ये कर सकते हैं, तुम देख लेना। अच्छा, बाद में पछताना मत। ब्लू विल, अब उसे चकमा दो, जल्दी चलो। ये बात बहुत अच्छे ब्लू विल। अब ये लो ब्लू पल्स गन आक्रमण। हाँ, क्या तुम ठीक हो ब्लू विल? कोई बात नहीं, हम अगली बार इससे बेहतर करेंगे। हाँ, ये इतना भी खराब नहीं था। अब हमारी बारी, हम भी चकने की जरूरत नहीं है, सबका सामना करो। वाओ, ये सही में एक जाबाज है, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छे, गैटलिंग गन आक्रमण। लगता है तुम्हें अकल नहीं आई अभी तक, तुम हार गए, अब तो सजा मिलेगी। अरे इतने सख्त क्यों हो, एक छोटी सी गलती तो थी, अगली बार ये बेहतर कर लेगा। सिर्फ एक ही गलती मैच में पासा पलट सकती है, हट जाओ, इसे मुझे देखने दो। ओ नहीं, वो फिर उसे सजा दे रहा है, मुझे बेचारे हम्पी पर दया आ रही है। तुम सही से लड़ोगे या नहीं? हाँ या ना? परेशान मत करो, जवाब दो। बंद करो इसे, हम्बी को गंभीर चोट लग सकती है। हाँ छोड़ो, ये सब हम्बी के अच्छे के लिए है, सख्त ट्रेनिंग से वो मजबूत बनेगा। मुझे आश्चर्य है कि तुम ये नहीं जानते। ओ नहीं, प्यार और सच्ची दोस्ती से वॉचकार्स मजबूत बनते हैं, ध्यान रखना। मैं हम्बी को बहुत प्यार करता हूँ, ये सब उसी प्यार और सम्मान का नतीजा है। तुम सिर्फ ब्लू विल की चिंता करो। तुम मुझे ये मत सिखाओ, वो मुझसे बहुत खुश है। अरे रुक जाओ, अब क्या तुम लोग भी लड़ोगे? नहीं ठीक है, जरूरत पड़ी तो लड़ भी लेंगे। दीप, थोड़ा शांत हो जाओ। हा? भला मैं क्यों शांत हो जाऊँ, इस लड़के को सबक सिखाना जरूरी है। सच्ची मैं ये करना नहीं चाहती थी, पर लगता है। रुको, जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, सच में फिर रुक जाओ। तुम क्या कर रहे हो यार, उसको बोलो तुम लड़ाई नहीं करोगे। हाँ मैं रुक गया, मैं ऐसे जरूर करूंगा, सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसको बोल दो कि तुम कभी लड़ाई नहीं करोगे वरना पछताओगे।
तुम सब अचानक ऐसे क्यों पेश आ रहे हो? प्यार और अमन, ये लड़ाई है क्योंकि तुम दोनों अलग सोचते हो, है ना? ओ नहीं, ओ नहीं। प्यार है दुनिया के लिए और दुनिया है प्यार और अमन के लिए। जी हाँ, ये लो लव लव। भगवान, मैंने वो देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। दोस्तों, मुझे लगता है हम्बी के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। हम्बी? क्या ये वो बिजली के झटकों का नतीजा है? अगर तुम यूं ही हम्बी को बिजली के झटके देते रहे तो हम्बी की एआई चिप को काफी नुकसान हो सकता है। हाँ, ये किस तरह के नुकसान की बात कर रहे हो तुम? एक जगह झटका जमा हो जाएगा और इससे एआई हिंसक हो सकता है और शायद हम्बी अपने मालिक को भी ना पहचाने। ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। जब वो मेरे पास होता है वो सारी बातें मानता है। तुम बाद में पछताओगे। मेरी मानो तो उसका बिजली के झटकों से इलाज करना बंद करो। ऐसा कुछ नहीं होगा यार। मैं अपने हम्बी को अच्छे से जानता हूँ सेठ। उसे कोई नुकसान नहीं होगा। वॉच कार के प्यारे प्रशंसकों, हीरोज कप बैटल लीग में आप सभी का स्वागत है। एक जबरदस्त युद्ध का मैदान, हीरोज कप वॉच कार बैटल लीग, और जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे, मिलिए हमारे प्रतियोगियों से। एक शानदार योद्धा जो युद्ध के अद्भुत दृश्य दिखाता है, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल, बैटल मोड ऑन। एक आक्रामक हमलावर रणनीति, एक कार जो कभी हार नहीं मानती, एक दृढ़ वॉच कार हम्बी। बैटल मोड ऑन। चिंता है कि अगर ब्लूविल जीत भी गया तो भी उसे चोट लग सकती है। मैडी, मैंने सुना है वो सभी वॉच कार्स के टुकड़े कर देता है। आयशा, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। ब्लूविल का हम्बी से कोई मुकाबला नहीं है। मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं बिल्कुल सही सोचता हूँ। तुम बिल्कुल गलत हो। प्यार से ही एक वॉच कार शक्तिशाली बनती है। देखो और सीखो। आखिरकार युद्ध की शुरुआत। हम्बी, सीधे उस पे हमला करो। शुरू करो। युद्ध या तो खतरनाक हो या फिर हो ही ना। गैटलिंग गन आक्रमण। वो बहुत आक्रामक तरीके से खेल रहा है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। ब्लू लाइटनिंग आक्रमण। कर क्या रहे हो? खुद को संभालो और गैटलिंग गन से आक्रमण करो। बहुत बढ़िया ब्लू व्हेल। ब्लू पल्स गन आक्रमण। गति बढ़ाओ और उसे दबोच लो। दिखा दो तुम उसे क्या हो। हाँ,
से निकलो। यर्नव तो सच में बहुत आक्रामक खेलता है। ये ब्लू विल बचकर निकलने में इतना माहिर कैसे है? पीछा करते रहो हम्बी। कैटलिंग गन आक्रमण। ब्लू विल कूदो और उसे चकमा दो। चलो हम्बी ग्रेनेड फेंको। और अब चलो उसे खत्म ही कर देते हैं। वेव लेजर आक्रमण। ओ नहीं ब्लू विल बचो। ओ हम भी आज बहुत ही आक्रामक खेल रहा है। क्या ब्लू विल और वीर सही सलामत रहेंगे? वाह ये जबरदस्त है। ये एक सच्चा खिलाड़ी है। वो आक्रामक दिखता है पर चालाकी से खेल रहा है। मैं उसे खत्म कर सकता था। कितने शर्म की बात है। हम इतनी आसानी से हारने वाले नहीं। मैं ब्लू विल की स्पीड दिखाता हूँ। ब्लू विल बूस्टर चलो। ब्लू बस्टर रेल गन आक्रमण। ब्लू विल तो जबरदस्त है। वो हम भी पे चढ़ गया और अपनी उम्दा रफ्तार से उस पर हमला करने में कामयाब रहा। ओ रफ्तार वाकई तुम्हारी खूबी है। चलो देख लिया। लेकिन ये मैच आम नहीं है तो अब खतरनाक खेलते हैं। अब तुम बच के दिखाओ। ओह अर्नव क्या वो अपना आखिरी दाव खेलने वाला है? देखते हैं। ठीक है मैं तैयार हूँ। इसे अब खत्म करते हैं। वाह वीर भी अपने पावर कॉइन का इस्तेमाल करने जा रहा है। पावर कॉइन ड्राइव। कैसे हो सकता है? वो ब्लू ड्रैगन रश से कैसे बच सकता है? वाह वो ब्लू ड्रैगन रश से बच गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये बहुत शानदार है। हम्बी के ठीक होने से पहले मुझे एक और हमला करना होगा। ब्लू लाइटनिंग आक्रमण। हम्बी तुम ये कर सकते हो। बस उसके पीछे भागो। ब्लू विल बहुत अच्छे। अब बस एक और हमला। हमें बस इस हमले को झेलना होगा। हम भी तुम ये कर सकते हो। हम भी हार चुका है। हार कर बाहर हो गया है। और आज के विजेता है बेशक बेमिसाल वीर और ब्लू विल। ये क्या हुआ? ब्लू विल फिर से जीत गया। बुरा हुआ। मैंने कहा था ना एक और गलती की तो तुम गए। क्या तुम सजा भुगतना चाहते हो? क्या हम भी तुमने मुझ पे हमला किया? हम
ओह, ओह नहीं, मुझे इसी बात का डर था। हमें जल्दी जाना होगा और इसे ठीक करना होगा। मतलब कैसे? हम भी मुझ पर हमला कैसे कर सकता है? सच में मुझे माफ कर दो, मुझे सच में माफ कर दो। सब कैसा रहा? क्या हम भी ठीक है? हाँ, अब वो ठीक है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनकर अच्छा लगा। अब से तुम हम भी काचे से ख्याल रखोगे, है ना? तुम ये क्या बोल रही हो? मैं हम्बी को अपने तरीके से प्यार करता हूँ, अब तक नहीं समझी? पर मैंने अपना तरीका बदल लिया है। कोई बात नहीं, अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? उप्स, मुझसे भी गलती हो गई। हाँ?